हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहाँ हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। इस वीडियो में मैथ्स देखने वाले हैं एमसीएस 014 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपके जो नोट्स थे, मैंने वो पहले ही टारगेट बैच जो मैंने स्टार्ट करा था ऑल सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नोट्स ऑल आर अपलोडेड इन प्रीवियस वीडियो। सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप नोट्स जो हैं डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आंसर्स बच रहे हैं आप लोग हमें मुझे टेलीग्राम्स में पर मैसेज करके, ग्रुप में मैसेज करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लॉक वन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फॉर डॉक्यूमेंटेशन, ड्रॉ द डायग्राम, ठीक है। एंड वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, कितने प्रोसेस हैं, स्टेज है, सॉरी वेरियस स्टेज हैं इसके, जो जो प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में वर्क करता है। मेक SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट, ऐसे कुछ होता है उसको बनाना है आप लोग को। SRS, DFS, DFD एंड ER डायग्राम सारा अपलोडेड है। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई द सिस्टम एनालिस्ट शुड बी फेमिलियर विद टीचिंग स्किल एंड विच मे बी यूज बाई सिस्टम एनालिसिस। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो कि क्या कह रहा है कि फैमिलियर है या नहीं, मतलब सिस्टम एनालिसिस टीचिंग स्किल से फैमिलियर हो सकता है या नहीं। तो आइडेंटिफाई द वी हैव टू राइट दिस टाइप्स विच हैव फाइव नेसेसरी टेक्निकल स्किल्स एंड सिस्टम एनालिसिस स्किल्स विच इज़ बोर्ड नॉलेज ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग, विच अनदर वन इज एबिलिटी टू लर्न क्विकली एंड लॉजिकल अप्रोच होना चाहिए उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एक्सीलेंट एनालिटिकल स्किल्स होने चाहिए, बिजनेस अवेयरनेस होना चाहिए। सो पहले आप ये आप क्वेश्चन है इसमें कि वाई सिस्टम एनालिसिस विद बी फैमिलियर विद टीचिंग स्किल। अभी तो मैंने आप लोग को ये बताया था कि कितने हो सकते हैं टेक्निकल स्किल्स जो हैं सिस्टम एनालिसिस में, कितने हो सकते हैं, तो वो मैंने बताया। अब क्यों है वो मैं बताती हूँ। तो आप लोग को येस, सिस्टम एनालिसिस शुड बी फैमिलियर विद द टेक्निकल स्किल्स बिकॉज दे डिड नॉट ओनली डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, इट इज़ क्लेम एंड सेल्फ मोटिवेशन, बट ऑल्सो हैव वेल डेवलपमेंट टेक्निकल स्किल्स। सो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एनालिसिस एंड सिस्टम डिज़ाइन, वाट आर इशू कंटेंट टेकन केयर वाइल डिज़ाइनिंग आर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ डेवलपमेंट मॉडल। फर्स्ट इज नॉट बिकॉज इज वेर इट इज, सो हियर फर्स्ट वाटरफॉल एंड सेकेंड आपको टॉपिक रहेगा प्रोटोटाइप एंड थर्ड इज स्पाइरल। मोस्टली आपको ये क्वेश्चन आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाटरफॉल का पूछेगा। वाटरफॉल के एडवांटेजेस आपको क्या हो सकते हैं, सुटेड फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट या बिकॉज इट इज़ नॉट वर्किंग अ बिग प्रोजेक्ट एंड दे शुड परफॉर्म क्वालिटी अश्योरेंस टेस्ट बिफोर कंप्लीटिंग इच स्टेज। एंड और ये भी हो सकता है कि बिफोर द नेक्स्ट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट इच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड। बट डिसएडवांटेज में आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिख सकते हो कि एरर कैन बी फिक्स्ड ओनली ड्यूरिंग द फेज। इट इज़ सेकेंड आप लिखोगे इट इज़ नॉट डिजेबल। थर्ड लिखोगे कि टेस्टिंग पीरियड कम्स क्वाइट लेट इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। आप स्पाइरल में लिख सकते हो कि स्पाइरल में हो सकता है कि रिस्क हैंडलिंग करने का उसके पास कैपेसिटी होता है और स्ट्रॉन्ग अप्रूवल होता है, फिक्स्ड फिक्सिबिलिटी होता है रिक्वायरमेंट में,
डिसएडवांटेज में हो सकता है कि जो इट इज़ नॉट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज़ यूज इन बिग प्रोजेक्ट, ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लो रिस्क प्रोजेक्ट, एंड आप ये भी लिख सकते हो कि प्रोसेस आर कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स। ओके, प्रोटोटाइप मॉडल में आप क्या लिखोगे, फ्लेक्सिबल इज डिज़ाइन, ईजी टू डिटेक्ट एरर्स, फाइंड मिसिंग फंक्शनैलिटी ईजिली, स्कोप ऑफ रिफाइनमेंट, रीयूज बाय डेवलपर, आइडिया फॉर ऑनलाइन सिस्टम। डिसएडवांटेज में आप क्या लिखोगे कि ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, इट इज़ कॉस्टली एंड ये बहुत ही गंदा सा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करता है, तो यू हैव टू रोटेट पुअर डॉक्यूमेंटेशन, टू मच वेरिएशन इन रिक्वायरमेंट, फोर इज वॉट इनकम्प्लीट प्रॉब्लम एनालिसिस, इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। तो आप इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने जो आंसर सारे प्रोवाइड किए हुए हैं प्लीज़ उसको जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी वीडियोस का। एंड और जो कोई भी और जो भी क्वेश्चन है हमारे आंसर्स, वो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अब देखो ब्लॉक टू में आपसे पूछता है कि डीएफडी, जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं, डीएफडी हो गया, ईआरडी हो गया, एसआरएस हो गया, सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। एंड लिस्ट द डिस्कस इंपॉर्टेंट वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी। फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी में आपको आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि क्या है, और लिस्ट बनाना होता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी का। तो आप लिख सकते हो कि टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, ऑपरेशनल हो सकता है, इकोनॉमिक हो जाएगा, लीगल हो जाएगा, शेड्यूल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग इसमें कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, एंड इस तरह पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड सबके आंसर्स बताते रह गई तो और भी लंबा हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पीडीएफ को ले लेना नीचे से। एंड रहा बात आपके आंसर्स को, तो कुछ आंसर्स मैं टेलीग्राम पर सॉल्व करके डाली हुई हूँ बिकॉज उतना टाइम नहीं था वीडियोस बनाने का, वीडियोस में डालने का, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। सेकंड की बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने एक वीडियो में सॉल्व करके प्रोवाइड किया हुआ है नोट्स के थ्रू, जहाँ सारा का सारा नोट्स है, तो वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय बाय।